नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं भारत समाचार। कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों का भारत बंद है। आज शाम 4 बजे तक किसानों का भारत बंद का आंदोलन। दिल्ली, यूपी और आसपास के इलाकों में पुलिस अलर्ट पर है। 1 दर्जन से अधिक यहां पर राजनीतिक दलों का समर्थन है। सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया। बीएसपी ने किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया है। गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर किसानों का जनसैलाब है। बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर में अभी किसान जुटे हुए हैं। लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद में भी किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में यहां पर जाम लगा हुआ है। सड़क पर किसान यहां पर है। 500 से अधिक किसान संगठन भारत बंद में शामिल और 15 ट्रेड यूनियन। 6 राज्य सरकारों ने समर्थन दिया। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल सरकार ने समर्थन दिया। पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश सरकार का भी समर्थन है। 70 जगहों पर बिजनौर में चक्का जाम है। एम्बुलेंस की सेवाओं को जाने की छूट है। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। बुलंदशहर से हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं और नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। पहले मनोज, बुलंदशहर की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरीके से सुरक्षा है और क्या कुछ हो रहा है भारत बंद को लेकर वहां पर। वन को जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं सिकंदराबाद में जाम कर दिया। वहीं खुर्जा में बुलंदशहर, खुर्जा में बुलंदशहर जगह जगह जाम लगा दिया है। खुर्जा के जेवर अड्डे चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने जाम लगा दिया है और दुकान बंद कराना शुरू कर दिया है। और मेरे साथ वो भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरह का इन्होंने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा का जो भारत बंद का आह्वान है उसी के तहत भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ खुर्जा, जेवर अड्डे को और पूरे संपूर्ण पूरे बाजार को निवेदन कर रहे हैं कि आज आप व्यापारी वर्ग किसान को समर्थन देते हुए आज आप अपनी दुकानें बंद रखें और सभी व्यापारी भाई हमारी बात को मान रहे हैं और अपने अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। जो परेशान लोग हैं वो कैसे निकलेंगे? जो लोग परेशान हैं, आज 5 सितंबर को हमारा आह्वान था कि 27 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा, कोई परेशान नहीं है। जो इमरजेंसी सेवा है, जैसे कोई पेशेंट है, एम्बुलेंस है, उसके लिए हमने सारे रास्ते खोले रखे और वो कहीं भी उनके प्रति बाधा नहीं आ पाएगी। तो ये थे अध्यक्ष थे यहाँ भारतीय किसान यूनियन के। कहना है कि सभी जो लोग हैं परेशान हैं, एम्बुलेंस है, डॉक्टर है, उनके लिए रास्ता दे दी जाएगी। जी, और नरेंद्र का रुख करेंगे। अब नरेंद्र, मेरठ की तस्वीर इस वक्त क्या कह रही, 12 बज चुका है, किस तरीके से वहाँ पर जो भारत बंद है वो परवान चढ़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में शिवांगी जो ऐलान किया था उसको अक्षर से जमीन पर उतारा है। भारत बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। मेरठ से जुड़े हुए जितने भी हाईवे हैं सब जगह जाम कर दिया गया है। जो बिजनौर पौड़ी हाईवे है वो जाम है, करनाल हाईवे जाम है, बुलंदशहर जाने वाला जो हाईवे है वो जाम है। इसके अलावा जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है उसको भी जाम कर दिया गया है। हम यहीं पर मौजूद हैं, आप देखेंगे कि इधर किसानों ने इस रास्ते रोका हुआ है। जितने एग्जिट और एंट्री पॉइंट है सब जगह इसी तरीके से किसान बैठे हुए हैं। किसान नेता यहां पर इस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर बैठे हुए हैं। ये कब तक जाम चलेगा भैया? ये 4 बजे तक रहेगा। तो ये आप लोग का जो मकसद है, आपको लगता है कि सरकार बातचीत करेगी आपसे? 10 महीने तो देखिए, सरकार बातचीत नहीं करेगी तो हमारा विरोध भी जारी रहेगा जब तक। ये किसानों की ही लड़ाई नहीं है, हर मजदूर वर्ग की लड़ाई है, जिसे इंसान ने इसमें देश में जन्म लिया है, जो इसमें जन्मा है उस भारतीय की लड़ाई है। क्योंकि ये सरकार कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को बेच देना चाहती है और रोटी को भी अब तिजोरी में भेज देना चाहती है। जो इन्होंने कहा कि ये सारे वर्गों की लड़ाई है, इसीलिए आज देखा जा रहा है कि जो व्यापार संगठन है उन्होंने भी सपोर्ट किया है। मेरठ के सभी बाजार बंद हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में आज साप्ताहिक बंदी लागू होती है, लेकिन बड़ी तादाद में अभी ऐसे लोग हैं जो इस बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर दिल्ली जाने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो सारे लोग अब यहाँ से वापस लौट रहे हैं। जो यहाँ हाईवे पर चढ़ने वाले रास्ते हैं उन सब पर इसी तरीके से किसान बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो पुराना दिल्ली जाने वाला रास्ता है गाजियाबाद होकर, उस पर भी किसानों ने यहाँ डेरा जमा रखा है और जितने भी हाईवे मेरठ से कनेक्ट होते हैं उन सबको रोक रखा है। आज आप देहरादून भी नहीं जा सकते, हरिद्वार भी नहीं जा सकते, मुजफ्फरनगर जाने वाला जो सिवाया टोल है वहाँ पर किसानों का डेरा जमा हुआ है और करनाल हाईवे को भी जाम कर दिया गया है। एक बड़ा इम्प्रेशन जो है वो देखा जा रहा है भारत बंद का। और इसके अलावा ये पूरी स्ट्रेटजी है किसानों की, जिस तरीके से
5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत में जो 4 लाख के करीब किसान जुड़े थे, ये बताया था सरकार को कि उनकी शक्ति कितनी है और अब अपनी शक्ति का दूसरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे भारत बंद का जो आह्वान है वो किया गया था आज के दिन के लिए और उसका जो असर है व्यापक तरीके से देखा जा रहा है। हर वर्ग आज के दिन प्रभावित है और वो एहसास कर रहा है कि किसान का जो आंदोलन था, ये कहा जा रहा था किसान का आंदोलन कहीं थम गया है, कहीं ठंडा पड़ गया है, उसको एक तरीके से बैकअप देने का काम जो है भारतीय किसान यूनियन वेस्टर्न यूपी में कर रही है और वेस्टर्न यूपी के सभी जिले इससे प्रभावित हैं। शिवांगी, बिल्कुल। और देखिए नरेंद्र, यहाँ पर इसको सफल बनाने के लिए पहले से लोगों से यह अपील भी की जा रही थी कि लोग अपनी स्वेच्छा से बाजारों को बंद रखें। मनोज, वहां पर लोगों ने किस तरीके से अपने मन से बाजारों को बंद किया है, व्यापारी किस तरीके से खुद आगे आ रहे हैं इस भारत बंद को समर्थन देने के लिए? जी शिवांगी, कुछ लोग तो अपने आप ही बंद कर रहे हैं, कुछ भारतीय किसान यूनियन के लोग जबरदस्ती उन्हें बंद करा रहे हैं, लेकिन जो बाजार हैं, रास्ते हैं, पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। बुलंदशहर से चारों तरफ सीज कर दिया गया है, बुलंदशहर से कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बचा है जिस रास्ते पर भारतीय किसान यूनियन के लोग मौजूद ना हों, और पूरे रास्ते बंद हैं। जो एम्बुलेंस हैं या डॉक्टर हैं या कोई महिला चालक है उसको जाने दिया जा रहा है, लेकिन बाकी लोग वो जो पूरी तरह वो रोड पर खड़े हैं, पूरी तरह जो किसान यूनियन के लोग हैं सभी जगह ट्रैक्टर लगा लगा करके यहाँ बाजार बंद कर रखे हैं। चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं उनकी मांग है वो मांग पूरी नहीं होगी, वो जब तक नहीं हटेंगे वहाँ से। जी, और देखिए अब जाम की भी स्थिति यहाँ पर देखिए इस आंदोलन के चलते हम देख रहे हैं लोगों को झेलनी पड़ रही है। नरेंद्र, वहां पर ऐसे कौन कौन से रूट हैं जहाँ पर इस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है भारत बंद की वजह से, जाम की स्थिति वहां पर बन रही हो? देखिए, जितने भी हाईवे हैं उन सब हाईवे पर मुसाफिरों को रोका गया है, केवल इमरजेंसी सेवाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, मेडिकल सेवाओं से संबंधित जो लोग हैं बस उनको यहां से पास किया जा रहा है, जिसमें सेना के लोग हैं, हेल्थ से जुड़े लोग हैं, इसके अलावा जो स्कूली बच्चे हैं उनको नहीं रोका गया है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों ने सपोर्ट किया है, इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में जो मुसाफिर हैं वो नहीं दिख रहे हैं, और यहाँ जो किसान बैठे हुए हैं उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं विजयपाल घोपला, वो भी बैठे हुए हैं। घोपला जी, ये बताइए कि आज का ये जो कार्यक्रम है आपको क्या उम्मीद है कि इसके बाद किस तरह की स्थिति जो है वो किसानों की निकल कर सामने आएगी? हर आंदोलन जो है ये निकल जो ताबूत है उसमें आखिरी कील का काम करेगा। हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, हम अपनों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो गाजी बॉर्डर पर बैठ कर पहुंचा रहे हो, आम आदमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसान नुकसान में है, इसलिए कि इनकी कैसी आँख खुल जा। 700 कुछ आदमी हमारे मर लिए, शहीद हो लिए इन बॉर्डरों पर, उसके बाद भी ये नहीं चेत रहे, अब हमारे धोरा है विरोध करने का। अच्छा एक बात बताओ, हम विरोध करें कैसे भाई, घर बैठ कर नहीं हो सकता? अब जो हम रोक रहे हैं या सड़कें, इसे मुझे पता आम आदमी परेशान है, आम आदमी को कष्ट। बीजेपी ये कहती है कि आप विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी कर रही है, हम नहीं कर रहे, बीजेपी विपक्ष को फायदा पहुंचा रही है। कैसे? जितने वादे करे थे इन्होंने, जो घोषणा पत्र है मैं जितने वादे थे, एक वादा बता दो जो इन्होंने करा, जो घोषणा पत्र में नहीं था वो सब कुछ ये कर रहे हैं। ये देने के रेट तो बढ़ा दिए बीजेपी ने। देखो, जब मायावती सरकार थी कहते वो भी कह रहे थे कि मेरे जो वोटर है वो गन्ने खेती नहीं करता, उसने 80 रुपये बढ़ाए थे, और जो अखिलेश सरकार थी सपा उसने 52-53-54 रुपये बढ़ाए थे, इन्होंने मेरे ख्याल से 30-35 रुपये बढ़ाए अपने कार्यकाल में, जो दुगुनी कर रहे थे हमारी आमदनी। तो ये कर रहे हैं इस मामले में भी, इनका कहीं नंबर ही नहीं आता कि ये अपनी बात कह सके। बीजेपी के संकल्प पत्र में ये कहा गया था कि जो 375 रुपये का रेट है किसानों के गन्ने का बोल दिया जाएगा, किसान इसी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो संकल्प था बीजेपी का उस पर भी बीजेपी खरी नहीं उतरी है, और ये जो पूरा आज का भारत बंद है उसका जा रहा है आम आदमी से लेके, और जो किसानों ने डेरा डाल रखे हैं अलग अलग जगहों पर, 13 पॉइंट मेरठ में ही ये चिन्हित किए गए थे हाईवे पर जहाँ किसान चक्का जाम करेंगे, और उन्होंने वो सब कर दिखाया है। इसके अलावा बाजार भी बंद हैं, जो उसने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है और उनके साथ खड़ी हुई है, तो कुल मिलाके जो जन समर्थन है वो भी किसानों को मिल रहा है, उसी की बदौलत
ये भारत बंद जो है इनका सफल होता दिख रहा है। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए यहाँ पर किसान खुश नहीं नजर आ रहे। जो गन्ने पर मूल्य बढ़ाए गए हैं उसको लेकर वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। मनोज, वहां पर भी देखिए इसका असर पड़े, बीजेपी चाहती होगी, क्योंकि कल जो कहा गया कि गन्ना का मूल्य बढ़े हैं उससे किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए उठ के मुंह में जीरा है। तो इस बढ़े हुए मूल्यों का किस तरीके से लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं और आंदोलन को और तेज करने के लिए क्या क्या आगे भी चेतावनी दे रहे हैं? हाँ जी, बता दें गन्ना जो 25 रुपए बढ़े हैं उसको लेकर के किसान खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि जैसे जो तालाब होता है उसमें से एक लोटा पानी निकाल लिया, उस तरह से बढ़ाया गया है। उनकी मांग एक ही है कि तीनों बिल इसे हटाया जाए। और देखो मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, पूरा ये जो रोड है ये चौराहा है, पूरा भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ कब्जा कर लिया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है, चारों तरफ से जाम कर दिया गया है। यहाँ ना आना है ना जाना है, पूरी तरह यहाँ जाम चारों तरफ से चौराहे के ट्रैक्टरों से लगा करके पूरा जाम कर दिया गया है। आला अधिकारी चुपचाप पीछे खड़े हैं लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब भारतीय जो किसान यूनियन के लोग हैं झंडा लगा करके कम से कम सैकड़ों जो ट्रैक्टर हैं वो मौके पर आकर के चारों तरफ से रास्ता को बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो किसान पूरी तरह खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि जो पैसा बढ़ा है उससे हम लोग खुश नहीं है, जो तीनों बिल हैं वो हटने चाहिए, तीनों बिलों की मांग को लेकर के यहाँ जगह जगह। लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं वो पीछे चुपचाप खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसान विद्रोह करने लग जाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, नरेंद्र आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए। किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। आपको सबसे पहले कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं जहां पर गाजीपुर, दिल्ली, करनाल, हरियाणा में किसानों ने प्रदर्शन किया। शाम 4 बजे तक किसान यहां पर प्रदर्शन करेंगे। सिंह बॉर्डर, टिक्की बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, करनाल, गाजियाबाद, अमृतसर में भी यहां पर किसान हाईवे पर बैठे हुए हैं और यहां पर बॉर्डर्स पर बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर जवानों को भी तैनाती दे दी गई है। तो 6 तस्वीरें हैं भारत बंद की आज की, 6 जगहों से तस्वीरें जहां पर किसान यहां पर पहले से ही डटे हुए हैं, सुबह से ही यहां पर पहुंचना शुरू हुए और उसके बाद लोगों से भी यहां पर समर्थन की बात कही, जिसमें आम जन का भी यहां पर अब किसानों को समर्थन मिला है भारत बंद को सफल बनाने के लिए। और अब 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। हाजीपुर की तस्वीरें हैं, गाजीपुर, करनाल की भी तस्वीरें हैं। नारेबाजी करते यहाँ पर किसान गुस्से में नजर आए हैं और पोस्टर बैनर लेकर यहाँ पर बैठे। गाजीपुर पर भी वो तस्वीरें भी और किसानों ने यहां पर भारत बंद किया है। करनाल में भी सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर, बाइकें लगाकर यहां पर खड़े हैं।